सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के देसर प्रवास कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक सुभाष वर्मा की उपस्थिति में खुट्टार रजमिलन एवं मारा तीनों मंडल में नागरिकता संशोधन के समर्थन में चर्चा की गई। अध्यक्ष के नेतृत्व में विधायक के प्रवास के दौरान तीनों मंडलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं को सीएए से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं पीएम मोदी के उद्देश्य को रखा गया, जहां पर लोगों का अपार जन समर्थन मिला। लोगों में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के लिए नागरिकों से अपील करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने बताया कि यह बिल लोगों की नागरिकता को हनन करने का नहीं, बल्कि उन्हें नागरिकता देने का कानून है। आप सभी भारतीय नागरिकों को इस कानून, इस विधेयक से डरने की जरूरत नहीं है। भाजपा विधायक सुभाष वर्मा ने कहा कि इस कानून से किसी को हानि नहीं होगी। हम आप सभी को भरोसा दिलाते हैं, उक्त समय पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पर प्रत्येक जिलाध्यक्षों, माननीय विधायक, माननीय सांसद जी को यह निर्देशित किया गया है कि आपको जगह जगह जाकर के छोटी छोटी गोष्ठियाँ संपन्न करानी है, जिससे कि आम जनमानस यह जान सके कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है। इस कार्यक्रम के तहत आज देवसर विधानसभा में खुटार, रजमिलान और माड़ा में प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठियां की जा रही है। आज मैं संगठन के निर्वाचन के बाद पहली बार मंडल स्तर पर हमारी बैठकें आयोजित की गई। आज पूरे इस देवसर विधानसभा के तीनों मंडल के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को प्राप्त हुआ। आप लोग के द्वारा परसोना से रैली के माध्यम से खुटार, जहां की सामुदायिक भवन में हमारा कार्यक्रम संचालित हो रहा है, और नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में हम सब लोग आम प्रबुद्ध जनों को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि यह नागरिकता छीनने का विषय नहीं है, यह नागरिकता देने का विषय। मुस्लिम समुदाय के लोग भयभीत न हों, आने वाले समय में इस नागरिकता संशोधन अधिनियम से किसी भी तरह का मुस्लिम भाइयों को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। सिंगरौली से अनिल दुबे की रिपोर्ट।